तो गाइस फ्री फायर हो या पबजी, दोनों अब ऐसा गेम बन चुकी है जिसका कोई भी भरोसा नहीं। कभी भी बैन हो जाती है, कभी भी अनबैन हो जाती है। ऐसे में प्लेयर लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और साथ ही साथ हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके पास और हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो कि इन सारे गेमों को छोड़ के हम दूसरे गेमों का लुत्फ उठा पाएं और उसी तरह का खेल पाएं जिस तरह से फ्री फायर, पबजी या सीओडी खेलते हो। और जो भी न्यू गेम स्टार्ट करें उसका एक न्यू इरा शुरू करें और न्यू तरीके से खेलें जैसे कि पहले फ्री फायर खेला करते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर, पबजी और सीओडी के अलावा 17 ऐसे बेस्ट ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम के बारे में बताने वाला हूं जो बिल्कुल फ्री फायर, पबजी या सीओडी से मिलता जुलता हो, जिसका आप आनंद ले सकते हो उसी तरह से जिस तरह से आप इन तीनों गेमों को खेला करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर, पबजी और सीओडी के अलावा 17 सबसे बेस्ट ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17 गाइस, नंबर 17 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे लुक देख सकते हो, इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो प्लेन स्टार्ट होती है ना, तो जब भी प्लेन स्टार्ट होते हैं तो प्लेयर उस प्लेन के अंदर जाते हैं कुछ इस तरह से, और प्लेन यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे होता है और लैंडिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ग्राफिक्स उसका इतना अच्छा नहीं आप बोल सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग वाला गेम है, न्यू गेम लॉन्च हुआ है, तो ये ज़्यादा उसका ग्राफिक्स आप अच्छा नहीं बोल सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे पीला टाइप का ग्राफिक्स है जो उतना कोई खास नहीं है, बट ये गेम है, फ्री फायर भी शुरुआत में ऐसे ही आया था तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे ये भी गेम इम्प्रूव हो सकती है जैसे फ्री फायर हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है स्क्वाड बैटल ग्राउंड FPS गेम, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर में भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये था नंबर 17 का गेम। नंबर 16 गाइस, नंबर 16 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे आप लॉबी देख सकते हो, जो वेटिंग लॉबी होती है, सॉरी जो स्टार्टिंग का लॉबी होती है वो कुछ इस तरह से होती है। और कितने सारे मोड है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत ही सारा मोड भी देखने को मिल जाएगा। और इसकी बात करें अगर हम फुल मैप की, तो यहाँ पे आपको एरोप्लेन कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा और सामने जो मैप है उसमें बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। तो ये मैप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मैप है। जैसे जैसे आगे गेम प्रोसीड होगा इसका ग्राफिक्स भी इम्प्रूव हो सकता है, करेक्टर का मूवमेंट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो और कितने सारे कंट्रोल दे रखी है। और इसका लूट वगैरह करने का तरीका यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। और रनिंग और मूवमेंट का तो आपने देख ही लिया, और यहाँ पे आप ग्राफिक्स देख सकते हो जो कि उतना खास आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि न्यू गेम है। तो गाइस बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है फायर फोर्स शूटिंग सर्वाइवर। नंबर 15 गाइस, नंबर 15 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे आप लॉबी देख सकते हो, स्टार्टिंग का लॉबी कुछ इस तरह से आता है जहाँ पे बड़ा बड़ा आपको करेक्टर देखने को मिलेगा जो कार्टून एनिमेशन जैसा लगता है देखने में। और इसका जो वेटिंग लॉबी होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रिज दे रखा है हावड़ा ब्रिज वाला जैसा, ठीक है। और बात करें इसका एरोप्लेन, तो एरोप्लेन इसका तो बहुत ही शानदार लग रहा है, साथ ही साथ आप मैप भी देख सकते हो जो कि बर्मुडा मैप जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से फ्री फायर का स्टार्टिंग में कम जगह था मैप में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी है, और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा जिस तरह से फ्री फायर स्टार्टिंग लॉन्च हुआ था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका ग्राफिक वगैरह कुछ इस तरह से है। बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है रॉयल बैटल सर्वाइवल। नंबर 14 गाइस, नंबर 14 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे आप लॉबी देख सकते हो, जो बहुत ही अच्छा लॉबी लग रहा है देखने में, जो कि बिल्कुल पबजी जैसा थोड़ा सा मैच खाता है। और यहाँ पर भी यहाँ देख सकते हो ऊपर में डायमंड है, कॉइन्स वगैरह है, करेक्टर वगैरह देख सकते हो यहाँ पे कितना है, फीमेल करेक्टर, मेल करेक्टर, हर करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे गन स्किन है जो आपको पैसे से खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो जब प्लेन में जाता है ना, तो प्लेन में जाने का कुछ सीन कुछ इस तरह से रहता है देखने में, जो कि आप देख सकते हो जब भी यहाँ पे आइलैंड पे उतरता है तो प्लेन का अंदर का सीन दिखाया जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है देखने में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और बाहर का प्लेन का नजारा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। और जब लैंडिंग होती है तो यहाँ पे ग्लाइडर के सहारे से लैंडिंग होती है, और यहाँ पे इसका ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो कितना ज्यादा ओपी है, और ये थोड़ा सा पबजी जैसा मिलता है। और बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है लास्ट मैन लैंड, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा पबजी जैसा इसका बिल्कुल मैच करता है। नंबर 13 गाइस, नंबर 13 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है, जिसमें मेल करेक्टर, फीमेल करेक्टर दोनों यहाँ पे बराबर दे रखे हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो वेटिंग लॉबी होती है वो 30 सेकंड का होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वेटिंग लॉबी का ही ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा धांसू लग रहा है, हेलीकॉप्टर भी है इस लॉबी में जो कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके
बाद यहाँ पे एरोप्लेन उतना खास आप नहीं बोल सकते, हेलीकॉप्टर जैसा लगता है देखने में। और यहाँ पे मैप में देख सकते हो कुछ इस तरह से लगता है देखने में। हालांकि इसका भी यहाँ पे जो मैप का ग्राफिक्स है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फिर भी उतना खराब ग्राफिक्स आप नहीं बोल सकते। ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है यहाँ पे देखने में, दूर से खराब लग रहा था लेकिन सामने से देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, ठीक है। कैरेक्टर का मूवमेंट, रनिंग, हर चीज़ यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा बेस्ट है। और बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है साइबर हंट लाइट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 12 पे जो गेम आती है वहाँ पे देख सकते हो इसका जो स्पिन करने का तरीका होता ना, इसका एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हो, जो निकलती है चीज़ें वो कितनी खतरनाक लग रही है। फ्री फायर में कुछ अलग है लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। और साथ ही साथ यहाँ पे लॉबी आप देख सकते हो कितना खतरनाक लॉबी है, और ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्त है। बात करें इसका प्लेन की, तो प्लेन भी यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई एलियन का प्लेन आया, मतलब काफ़ी अपग्रेडेड प्लेन है। और साथ ही साथ यहाँ पे सर्फबोर्ड भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। सूरज की रोशनी भी यहाँ पे पड़ रही है, और इसका यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो कितना ज़्यादा शानदार है। पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्राफिक्स बनाया गया, कैरेक्टर का मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हो। और ये देखो ये ग्लोअल टाइप का यहाँ पर लगाया हुआ है जिससे कि यहाँ पे बचा जा सके। गाड़ी वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से। और इस गेम का नाम है मिलेट शूट आउट बैटल फील्ड, जो कि देख सकते हो यहाँ पे। नंबर 11 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे लॉबी आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री फायर जैसा ही कैरेक्टर रहेगा देखने में, उसी तरह का यहाँ पे लॉबी है। और प्लेन देख सकते हो यहाँ पे कितना धांसू यहाँ पे प्लेन है। ग्राफिक्स देख सकते हो, मैप देख सकते हो, इरेंगल मैप जैसा लगता है जो कि पबजी का फेमस मैप है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लग जा रहा है। और लैंडिंग जो जंपिंग करता है उसका स्टाइल कुछ इस तरह से है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा मैप लग रहा है देखने में। और बात करें इसका गन स्किन की, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो गन स्किन है वो भी यहाँ पे देख सकते हो, सारा का सारा गन है जो कि फ्री फायर पबजी अवेलेबल है वही यहाँ पे गन है, ग्रेनेड स्किन है, पिस्तौल है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और इस गेम का ग्राफिक्स कुछ इस तरह से लगता है देखने में, जो कि आप देख सकते हो। और बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड। नंबर 10 पे फार लाइट आती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका लॉबी वगैरह जो है ना काफ़ी मतलब एनिमेटेड यहाँ पे लॉबी है, मतलब कह सकते हो कार्टून जैसा लगता है देखने में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे आपको यहाँ पे करेक्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि मेल फीमेल, और सब आपको यहाँ पे इन गेम परचेस करने पे ही मिलेगा। और यहाँ पे गन स्किन देख सकते हो, और यहाँ पे जो देखो करेक्टर जब यहाँ पे लैंडिंग करता है तो उसका एरोप्लेन यहाँ पे एक छोटा सा कैप्सूल में उसको भर दिया जाता है, और उसके बाद कुछ इस तरह से लैंडिंग करता है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगता है देखने में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर लैंडिंग वगैरह कुछ इस तरह से होती है, जंपिंग स्टाइल तो आपने देख ही लिया, प्लेन तो आपने देख ही लिया। और यहाँ पे देख सकते हो इसका ग्राफिक्स वगैरह थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। और बात करें इस गेम का नाम, तो इस गेम का नाम है फायर लाइट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। नंबर 9 पे जो गेम आती है उसका नाम है फाइनाइट फायर बैटल रॉयल, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे इसका ग्राफिक्स वगैरह हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो UMP वगैरह गन है, हर चीज यहाँ पे आपको लूट है। और फ्री फायर जब नया नया लॉन्च हुआ था तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था देखने में, इसलिए मैंने इस गेम को रखा है जिसका नाम है फाइनाइट फायर बैटलफील्ड, जो कि आप देख सकते हो इसका ग्राफिक्स वगैरह कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और यहाँ पे करेक्टर का मूवमेंट वगैरह घर वगैरह पबजी जैसा लगता है देखने में, तो इस गेम का नाम है फाइनाइट फायर बैटलफील्ड। नंबर 8 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग का लॉबी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से है, नंगा पुंगा, ठीक है। और करेक्टर का यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इमोट जो है वो काफ़ी तगड़ा इमोट है भाई साहब, ये इमोट आप देख सकते हो यहाँ पे कितना तगड़ा लग रहा है देखने में। बात करें प्लेन की, तो जब लैंड करते हैं उसमें जो प्लेन होती है वो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन कुछ कितना लंबा देख लग रहा है देखने में। और यहाँ पे लैंडिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, और इसका ग्राफिक्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्री फायर जब नया नया लॉन्च हुआ था बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह का थोड़ा सा यहाँ पे फील दे रहा है। बाकी घर वगैरह और टेक्सचर वगैरह जो है वो पबजी से यहाँ पे मैच करता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इमोट्स वगैरह देखो, घर वगैरह देखो, जो घर वगैरह पबजी से मैच करता है, वो ग्राफिक जो है वो फ्री फायर जब नया नया लॉन्च हुआ था उसी के जैसा मैच करता है, ठीक है। बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिसका नाम है फ्री सर्वाइवल फायर बैटल फील्ड, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। नंबर 7 पे जो गेम आती है वो बहुत ही धांसू गेम है, और आपको यहाँ पे 16 GB या 8 GB रैम आपको चाहिए होगा,
तब जाके ये गेम ओपन होगी। और ये सारे गेम जितने भी गेम है ना उसमें सबसे भयंकर गेम आपको यही लगेगा देखने में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन वगैरह कितना तगड़ा और कितना स्मूथ ग्राफिक्स है। और जब लैंडिंग करोगे तो यहाँ पे ग्लाइडर के सहारे से लैंडिंग करोगे, घर वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, भाई सब कितना रियलिटी जैसा फील हो रहा है। बादल देख लो यहाँ पे, ये ना बहुत ही तगड़ा गेम है, आपको लास्ट में बताऊंगा इस गेम का नाम। और यहाँ पे देखो करेक्टर का मूवमेंट देखो भाई साहब, ग्राफिक्स भाई देखो कैसे यहाँ पे गन्स उठा रहे हैं, और यहाँ पे घास वगैरह देखो एकदम बिल्कुल रियलिटी जैसा लग रहा है देखने में। इस गेम को अगर आप खेलोगे तो जरूर एक बार ट्राई करना, हो सकता है सारे लोग तो इस गेम में शिफ्ट कर जाओ, बहुत ही तगड़ा गेम है। आप देख सकते हो इस गेम के अंदर खास बात यह है कि बारिश होती है, रात होती है, दिन होती है, शाम होती है, हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ही मैप में, जो कम से कम 30 से 40 मिनट तक चलती है। तो इसका ग्राफिक्स बहुत ही तगड़ा है। घर वगैरह आप यहाँ देख सकते हो, ग्रेनेड फेंकोगे तो दीवार टूट जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एक्सपीरियंस का इतना तगड़ा है कि लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है रिंग ऑफ एलसीएम, जो बहुत ही तगड़ा गेम है और आपको हाई ग्राफिक्स वाले गेम देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है रिंग ऑफ एलसीएम। नंबर 6 गाइस, नंबर 6 पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे लॉबी वगैरह देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्री फायर से मैच करता है। गोल्ड कॉइन्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लेन देख सकते हो यहाँ पे, मैप देख सकते हो, मैप का नाम देख सकते हो, ठीक है। और इस गेम का यहाँ पे लैंडिंग वगैरह देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है देखने में, ग्राफिक देख सकते हो। और शायद इस गेम को इंडिया में बैन कर दिया, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो घर वगैरह, फायरिंग वगैरह, गाड़ी वगैरह देख सकते हो, कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और इस गेम का नाम है होपलेस लैंड, जो कि शायद मेरे ख्याल से इंडिया में बैन हो चुका था बहुत समय पहले, लेकिन आप इसको VPN वगैरह से खेल सकते हो। कमेंट में बताना कि क्या ये गेम अभी इंडिया में चलती है नहीं, जिसका नाम है होपलेस लैंड। नंबर 5 पे जो गेम आती है उसका भाई साहब इतनी ज़्यादा तगड़ा ग्राफिक्स है कि क्या बताऊँ मैं। इस गेम का नाम है Fortnite, जो कि आप देख सकते हो इसका इमोट्स वगैरह कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में। और फ्री फायर ज़्यादातर इसी चीज़ से कॉपी करता है इमोट्स वगैरह, और देखो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह भाई ऐसा लगता है जैसे एनिमेशन कार्टून का मूवी देखते हो ना, बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह से लगता है देखने में। और फायरिंग वगैरह देख सकते हो, करेक्टर का मूवमेंट देख सकते हो, गन देख सकते हो, पूरा का पूरा यहाँ पे। और इसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर दिया जो कोई भी बैटल रॉयल गेम में इतना ज़्यादा फीचर नहीं दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास गन रहेगा, उसके मदद से तुरंत एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जा सकते हो। साथ ही साथ बादल वगैरह देख सकते हो, घर वगैरह देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा है। बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम है Fortnite, जो कि 16 GB रैम में चलती है। नंबर फोर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नाम है एस वॉर गेम्स करके, जिसका यहाँ पे लॉबी गन स्किन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा तगड़ा गन स्किन है और डिजाइन भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इसका प्लेन यहाँ पे आप देख सकते हो जो थोड़ा थोड़ा यहाँ से फ्री फायर जैसा मैच करता है, लैंडिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो ओपी तरीके का है। और यहाँ पे मैप देख सकते हो बहुत ही बड़ा मैप है, और ग्राफिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फॉर्चुनर का गाड़ी आप देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे सबसे खास बात ये है इस गेम में कि यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है, जो बाकी सारे गेमों में नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेलीकॉप्टर लगा के यहाँ पे कहीं पर भी आप मैप में जा सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है कि हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, तो अच्छा चीज़ लगता है, ठीक है। तो इस गेम में हेलीकॉप्टर है जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। नंबर थ्री पे जो गेम आती है उसका नाम है बैटल रॉयल फायर प्राइम, जो कि बिल्कुल यहाँ पे फ्री फायर जैसा लगता है देखने में। जब फ्री फायर नया नया लॉन्च हुआ था तो बिल्कुल वैसा ही लगता था देखने में। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने दो बीमा शक्ति चिमनी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और उसी तरह का सेम टू सेम हूबहू ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहा है जिस तरह से फ्री फायर का नया नया देखने को मिलता था। और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे करेक्टर में थोड़ी सी चेंज है, बट देखो यहाँ पे करेक्टर भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री फायर जैसा मैच करता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये फ्री फायर जैसा गेम बन जाए, जो एक नया इरा शुरू करने वाली हो सकती है। तो इस गेम का नाम तो मैंने आपको बता दिया, और देखो यहाँ पे इस तरह से आप शील्ड भी यूज कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में अगर इसको सपोर्ट मिला तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, और इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस गेम को जरूर एक बार खेल के देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। नंबर टू पे जो गेम आती है उसका यहाँ पे लॉबी वगैरह देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है देखने में। हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन वगैरह इसका यहाँ पे देख सकते हो, टेक्सचर वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे प्लेन देख लो यहाँ पे कितना ओपी लग रहा है देखने में, हेलीकॉप्टर जैसा यहाँ पे प्लेन है। और ये ग्राफिक देखो, लैंडिंग देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रिज वगैरह, घर वगैरह बिल्कुल यहाँ पे फ्री फायर का परगेट्री जैसा लगता है देखने में, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे ये घर का टेक्सचर वगैरह भी फ्री फायर से मैच करता है, एयर ड्रॉप वगैरह देख सकते हो, चिमनी यहाँ पे देख सकते हो। इसका ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा हाई है, और
यहाँ सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बाइसाइकिल देखने को मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। कितना फनी लगता अगर ये फ्री फायर में आता तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे इसका ग्राफिक्स कितना ज़्यादा ओपी और तगड़ा लग रहा है देखने में। और गाइस बात करें इस गेम का नाम की, तो इस गेम का नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसका नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवर। नंबर 1 गाइस, नंबर 1 पे जो गेम आती है उसका नाम है स्कारफॉल। और यहाँ पे उसका लॉबी वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मैच करती है पबजी और फ्री फायर दोनों से, क्योंकि दोनों से कुछ ना कुछ आइडिया लेके इस गेम को बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वेटिंग लॉबी में भी स्कारफॉल देखने को मिलेगा, डायनासोर वगैरह देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और गन स्किन वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैप, जो बरमूडा मैप जैसा लगता है बिल्कुल देखने में। और लैंडिंग वगैरह देख सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे फ्री फायर में लैंडिंग होती है बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह से आपको एक्सपीरियंस देगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो जिस तरह से पैराशूट से लैंडिंग करता है, ये हूबहू फ्री फायर जैसा लगता है। यहाँ पे फ्री फायर जैसा ही यहाँ पे टेक्सचर वगैरह है, जो स्टार्टिंग में फ्री फायर का एक मैप आया था बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह का लगता है देखने में। तो इस गेम का नाम है स्कारफॉल, एक बार जरूर जाके खेल के देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस ये था वो 17 बेस्ट ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम जो फ्री फायर पबजी और सीओडी जैसा लगता है खेलने में। इस गेम को खेल के आप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं और आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन आएगा दूसरा गेम खेलने में, दूसरे गेम को शिफ्ट करने में। तो जरूर एक ना एक बार ट्राई करना जो आपको इन सारे गेम में बेस्ट लगा। तो कमेंट में जरूर बताना कि इन सारे गेम में आपको सबसे अच्छा ग्राफिक वगैरह किसका लगा। मुझे तो सबसे अच्छा रिंग ऑफ एलसीएम का लगा, आपको कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। और इसका यहाँ पे डाउनलोड वगैरह जैसा भी प्रोसेस हो यहाँ पे यूट्यूब पे देख लेना। अगर मैं यहाँ पे बताता तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लंबी बन जाती है, तो मैं नहीं चाहता उतना लंबा हो, इसलिए आप यूट्यूब पे देख लेना, उसका डाउनलोड प्रोसेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगी, सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम फेसबुक हर चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, फॉलो वगैरह कर लेना। ठीक है।